कांग्रेस ने वैसे तो बहुत सारे पाप किए हैं और कोई पाप सामान्य पाप नहीं किए हैं। बाकायदा कानून बना के, घटिया कानून बना के पूरे देश के साथ गद्दारी किया है। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया और यह कह दिया अयोध्या के अलावा कोई और मामला कोर्ट जाएगा ही नहीं। हिंदू जैन बौद्ध सिख के लिए कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया। 1992 में माइनॉरिटी कमीशन बनाया। माइनॉरिटी कमीशन कानून बना के उन्होंने एक ही तीर से दो निशाना साधा। पहले हिंदुओं को बांट दिया, बांटने का मतलब सिख कहा, सिख को अल्पसंख्यक बना दिया, हिंदू को बहुसंख्यक, जैन को अल्पसंख्यक बना दिया, हिंदू को बहुसंख्यक, बौद्ध को अल्पसंख्यक बना दिया, हिंदू को बहुसंख्यक, जबकि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो सब पे लागू होता है। असली फायदा उनको मुस्लिम्स को पहुंचाना था, वो उन्होंने किया। उसके बाद एक और घटिया कानून बनाया 1995 में, जिसको कहते हैं वक्फ एक्ट। उसी वक्फ एक्ट को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। वक्फ एक्ट कानून बना के एक सरकार ने वक्फ बोर्ड बनाया। वक्फ बोर्ड का कॉम्बिनेशन क्या है, उसमें एक एमएलए होगा वो मुस्लिम होगा, एक एमपी होगा सांसद वो भी मुस्लिम होगा, एक उसमें एडवोकेट होगा वो भी मुस्लिम होगा, एक उसमें आईएएस ऑफिसर होगा वो भी मुस्लिम होगा, एक टाउन प्लानर होगा या इंजीनियर होगा वो भी मुस्लिम होगा, एक स्कॉलर होगा वो भी मुस्लिम होगा, और एक मुतवल्ली होगा। कहने का मतलब सात के सातों जो मेंबर हैं वो सारे के सारे मुस्लिम होंगे। अब पावर कितनी दिया, पावर ऐसी दिया कि अभी आपने सुना ही है कि तमिलनाडु में एक पूरे गांव को ही उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दी। ये वक्फ बोर्ड जो बना है इसके पास इतनी पावर है कि आपके घर के पास आए और ये कह दे ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि आपकी प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड को कुछ नहीं सिद्ध करना, बस उसको उंगली रखना है कि भाई ये हमारी वक्फ प्रॉपर्टी, ऐसी पावर दे रखा है। किसी मंदिर के ऊपर जाके अगर वक्फ बोर्ड कह दे ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो वक्फ बोर्ड को कुछ भी प्रूव नहीं करना, मंदिर के पुजारी को प्रूव करना है कि ये मंदिर किसने बनवाया, ये मंदिर की जमीन किसने दिया, इस मंदिर का पुजारी कौन है, उसका डॉक्यूमेंट कहां है, रजिस्ट्री कब हुई, सब कुछ मंदिर के पुजारी को करना पड़ेगा। अगर किसी गुरुद्वारे पे जाके वक्फ बोर्ड कह दे कि ये गुरुद्वारा वक्फ बोर्ड का है, तो वक्फ बोर्ड को कोई कुछ भी नहीं प्रूव करना है, प्रूव करना है गुरुद्वारे को। वहां गुरुद्वारे को यह प्रूव करना पड़ेगा जो गुरुद्वारे को चला रहे हैं, गुरुद्वारे में जो मैनेजमेंट कमेटी में है, कि भाई ये जमीन उनकी थी, उन्होंने गुरुद्वारा बनवाया, तब से हम इतने इतने लोग यहां पे रह चुके हैं और ये उसकी मालिकाना हक है, ये सब कुछ प्रूव करना पड़ेगा। ये सिचुएशन है। ऐसा कोई कानून हिंदुओं के लिए नहीं है कि हिंदू जाके कहीं कह दे ये जमीन हमारी है, ये हमारी हिंदुओं की जमीन ना, ऐसा कोई कानून नहीं। ऐसा कोई कानून जैन के लिए नहीं है जहां जैन जाके कह दे भाई ये जमीन हमारी है। ऐसा कोई कानून बौद्ध के लिए नहीं है, ऐसा कोई कानून सिख के लिए नहीं है, और ऐसा कोई कानून पारसी के लिए भी नहीं है, ऐसा कोई कानून ईसाई के लिए भी नहीं है। ऐसा कानून केवल किस लिए है, मुस्लिम्स के लिए। और आपने अभी देखा है, अभी द्वारका में उन्होंने भेंट द्वारका, जहां जाते हैं द्वारका के बाद भेंट द्वारका पड़ता है, उस रास्ते में उन्होंने बहुत सारी जमीनों पर हाथ रख दिया, बोला ये हमारी जमीन है। अब आप साबित करते रहो कि आपकी जमीन नहीं। तो इस कानून में इतनी पावर दिया है बोर्ड को कि वो जहां पे भी बंजर जमीन है, जहां पे भी खाली जमीन है, जिस जमीन का कोई मालिक नहीं है, खासतौर पे आदिवासी एरिया में, आदिवासी तो रहते हैं पीढ़ियों से रह रहे हैं, हजारों साल से आदिवासी रहते हैं, लेकिन उनके पास कोई मालिकाना हक नहीं होता, बस वो रहते हैं। वहां जाके वो उंगली रख देता है कि देखो जी हमारी जमीन है, आदिवासियों के पास कोई कागज नहीं होता। तो दूसरा क्या रास्ता ऑप्शन देते हैं, या तो एक काम करो आप कन्वर्ट हो जाओ, मुस्लिम हो जाओ, तो ये जमीन आपकी बनी रही। तो बहुत बड़ा धर्मांतरण का खेल हो रहा है।
6.25 लाख प्रॉपर्टी जिस समय वक्फ बोर्ड के पास है, 6.25 लाख देश भर में, 2 लाख प्रॉपर्टी पे अवैध कब्जा करके बैठा हुआ, यानी 8 लाख प्रॉपर्टी पे। उसके बाद भी इतनी उसके पास पावर है कि जहां मन कर रहा है, मंदिर के ऊपर, गुरुद्वारे के ऊपर, गोचर जमीन पे, खेल के मैदान पे, जो और भी जमीनें छोड़ी जाती हैं, ग्राम समाज की जमीन, जहां भी वो खाली जमीनें हैं वहां उंगली रखता है, कहता है ये हमारी जमीन है, उनसे लड़ेगा कौन? क्योंकि बाई दे अगर वो वक्फ बोर्ड के पास, मान लीजिए वक्फ बोर्ड आपके पास आता है, आप रहने वाले मान लीजिए मुजफ्फरनगर के हैं या मेरठ के हैं, आपकी कोई जमीन है, आपकी जमीन पर अगर वक्फ बोर्ड कह दे भाई ये जमीन हमारी है, तो आप मेरठ या मुजफ्फरनगर की कोर्ट नहीं जा सकते, आपको उसके लिए वक्फ बोर्ड का जो ऑफिस है लखनऊ वहां जाना पड़ेगा। तो सबसे पहली समस्या तो ये हो गई कि आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट होती है, जिला अदालत, वहां जा ही नहीं सकते, जाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड के पास। वक्फ बोर्ड का हेड ऑफिस जो स्टेट का मुख्यालय कहां है, लखनऊ में, तो यानी आपको पहले तो मेरठ मुजफ्फरनगर से 600 किलोमीटर दूर जाना है आपको, और उस बोर्ड के सामने जाना जिसने खुद ही कहा था कि ये जमीन वक्फ की। तो वही कहते ना, वही दरोगा वही चोर वही जज, वक्फ बोर्ड ही कह रहा है हमारी जमीन है, वक्फ बोर्ड के सामने आपको सफाई पेश करनी। ऐसा घटिया कानून भारत में कभी बना नहीं था, ऐसा घटिया कानून हो ही नहीं सकता, बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके बिल्कुल खिलाफ। आर्टिकल 14 कहता है आप भेदभाव नहीं करेंगे, सब समान है, लेकिन भेदभाव कर रहा है, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई सिख जैन की भेदभाव कर रहा है। आर्टिकल 15 कहता है कि आप किसी के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। आर्टिकल 25 कहता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू रिलीजन है, लेकिन वो आपके और हमारे धार्मिक स्थानों पर वक्फ बोर्ड कह दे हमारा है तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, आपको उसी बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा। आर्टिकल 26 कहता है सबको अपने अपने धार्मिक स्थानों के मैनेजमेंट करने का अधिकार है, ये तो उसके भी खिलाफ। अगर ये अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया था वक्फ बोर्ड, तो फिर तो ये जो पावर दी है मुस्लिम्स को, ये पावर सिख को भी होनी चाहिए थी, जैन को भी होनी चाहिए थी, बौद्ध को भी होनी चाहिए थी, पारसी को भी होनी चाहिए, यहूदी को भी होनी चाहिए, ईसाई को भी होनी चाहिए। तो माइनॉरिटीज के लिए भी नहीं बनाया, माइनॉरिटीज में भी केवल एक माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी है नहीं, मैं इसलिए नहीं कहता हूं माइनॉरिटी है कि पाकिस्तान की पूरी जनसंख्या, पूरी जो पॉपुलेशन है वो 22 करोड़ है और भारत में 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, 25 करोड़ से ज्यादा ही रहते हैं, 30 करोड़ के आसपास रहते हैं। तो मतलब पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 22 करोड़ है और भारत में 25 से 30 करोड़ मुस्लिम माइनॉरिटी कहलाते हैं, अल्पसंख्यक कहलाते हैं, हालांकि वो अलग विषय है, वो मेरी अलग PIL है, लेकिन आप इसको समझिए। मेरा आपसे आग्रह है इस वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए अपने अपने सांसदों को चिट्ठी लिखिए, उनको फोन करिए, उनको SMS करिए, उनको WhatsApp करिए, इस कानून के खिलाफ वो बोले, अभी पब्लिकली बोले, सरकार को चिट्ठी लिखे इस कानून को खत्म करने के लिए, और जब संसद का सत्र आए तो वहां प्राइवेट मेंबर बिल पेश करें। क्योंकि देखिए समाधान, किसी भी समस्या का समाधान फेसबुक पे लिखने, व्हाट्सएप लिखने, ट्विटर पे लिखने पे तो नहीं होगा। समस्या का समाधान केवल 3 है, या तो सड़क पे लाखों करोड़ों लोग निकले, या तो संसद में हंगामा हो, संसद में ये सवाल उठे, और या तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका हो, सुप्रीम कोर्ट इस कानून को खत्म करे। 3 ही तरीका है, किसी भी गलत काम के समाधान का 3 तरीका है, सड़क, संसद, सुप्रीम कोर्ट। सड़क पे लोग निकल नहीं रहे, संसद में लोग सवाल उठा नहीं रहे, तो मेरे पास तो एक ही रास्ता था, सुप्रीम कोर्ट का, वो रास्ता मैंने अपने चुना हुआ है, जहां जहां मुझे गलत लगता है मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूं। लेकिन मेरा आप लोगों से भी आग्रह है, केवल सुप्रीम कोर्ट में PIL के दम पे कब तक काम चलेगा, कितनी PIL होंगी? अरे मेरी भी एक टाइम है, मेरा भी एक लिमिट है, पढ़ने की लिमिट है, मैं कितना पढ़ूंगा? और वैसे भी मतलब घटिया कानून बनाए सांसद और हम उसको चैलेंज करते रहे, ये कब तक चलेगा? आखिर डॉक्टर कोई गलत दवा दे देता है, डॉक्टर की गलत दवा से लोगों की मौत हो जाती है, तो डॉक्टर को घेरते हैं कि नहीं घेरते? अगर कोई ड्राइवर गलत गाड़ी चलाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ड्राइवर को घेरते हैं कि नहीं घेरते? कोई टीचर गलत तरीके कोई गलत काम कर देता है स्कूल में, उस टीचर को घेरते हैं कि नहीं घेरते? तो सांसदों को आप लोग क्यों नहीं घेर रहे?
आखिर सांसदों को वेतन भत्ता गाड़ी बंगला पेंशन फ्री एयर टिकट फ्री रेल टिकट मिलता किस लिए है? भारत के अंदर घूमने का विदेश घूमने का जो फ्री उनका पूरा खर्चा चलता किस लिए मिलता है? केवल घूमने के लिए मिलता है? केवल बतौलेबाजी करने के लिए मिलता है क्या? केवल भाषण देने के लिए मिलता है? मेरा आप लोगों से आग्रह है, पार्टियों की पॉलिटिक्स से ऊपर उठिए। जिन पॉलिटिकल पार्टियों के भरोसे आप बैठे हुए हैं, जिन नेताओं के भरोसे बैठे हुए हैं, ये 20-25 साल आपको कोई नहीं बचाने वाले, कोई नहीं बचाएगा। अच्छा कानून ही आपकी आने वाली जनरेशन को बचाएगा। आज के अच्छे नेता 25 साल बाद आपके परिवार को बचाने नहीं आएंगे। आप जिन नेताओं के दम पे कूद रहे हैं, जिन नेताओं के सुबह से शाम तक जय जयकार कर रहे हैं, ये 25 साल के बाद जब इस देश में आग लगेगी तो कोई बचाने नहीं आएगा। ध्यान रखिए, आज का अच्छा कानून ही 25 साल बाद हमारे और आपके आने वाली जनरेशन को बचाएगा, हमारे छोटे बच्चों को बचाएगा, हमारी बेटियों को बचाएगा, हमारी बहनों को बचाएगा। क्योंकि जब आग लगेगी ना तो सबसे पहले नेता भागेंगे। आडवाणी जी सबसे पहले पाकिस्तान छोड़ के भारत आ गए थे, मनमोहन सिंह जी सबसे पहले पाकिस्तान छोड़ के भागे थे, राज कपूर पृथ्वीराज कपूर सुनील दत्त का परिवार सबसे पहले भाग आया था। तो जब अराजकता फैलती है, जब आग लगती है, तो जो समृद्ध लोग हैं, जो संभ्रांत लोग हैं, ये सबसे पहले अपना टिकट कर चुके होते हैं, ये पहले निकल लेते हैं। मरता कौन है? हमारे और आपके जैसे मिडिल क्लास के लोग। आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, बंगाल में इतनी अराजकता हुई, किसी नेता की हत्या हुई? कश्मीर में इतनी अराजकता हुई, कोई सांसद विधायक मारा गया? पाकिस्तान में 1947 में इतना बड़ा खून खराबा हो गया था, कोई बड़ा नेता मारा गया? नहीं। बांग्लादेश में इतना खून खराबा हो गया, अभी आज भी हो रहा है, कोई एमएलए एमपी मारा जाता है? नहीं। मरता कौन है? जनता। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, दल गुलामी छोड़िए। थोड़ा कड़वा शब्द है लेकिन इसको आप अपने दिमाग में रखिए, दल गुलामी छोड़िए, नेताओं की गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए। जिनके भरोसे बैठे हैं ये 25 साल बाद आपको बचाने नहीं आएंगे। 25 साल के बाद अगर हमारे आपके बहन बेटियों को, हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को बचाएगा तो आज का अच्छा कानून बचाएगा, आज के अच्छे नेता नहीं बचाएंगे। इसलिए जहां जहां गलत लगता है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। आपको अगर मेरी बात अच्छी लगी हो, ये वीडियो मुझे ठीक लगा हो, आप मेरी बात से सहमत हो, तो इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को फॉरवर्ड करिएगा और उनको कहिएगा ध्यान से सुने इसको। फेसबुक पे जरूर शेयर करिए, ट्विटर पे जरूर शेयर करिए, व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करिए, टेलीग्राम पे जरूर शेयर करिए। मेरे इसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल देता हूँ, वहां से लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं पूरा वीडियो डाल देता हूँ, आप वहां से डाउनलोड करके अपने फेसबुक पे इसको अपलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।